जी, मेरा नाम है सुनील। मैं बच्चों को गिटार, माउथ ऑर्गन, ड्रम, कैसियो, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन और गिटार एक साथ कैसे बजाते हैं, ये एक ही आदमी बजाएगा, मैं वो भी सिखाता हूँ। गिटार कितनी तरह से हम बजाते हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा, पहला गिटार होता है कॉर्ड गिटार, दूसरा गिटार होता है लीड गिटार, तीसरा गिटार होता है बेस गिटार, चौथा गिटार होता है हवाइन गिटार, पांचवा गिटार होता है स्पेनिश गिटार। तो लीड गिटार में हम खाली नोट्स बजाते हैं, कॉर्ड गिटार में कॉर्ड लगाते हैं हम, तीन एक कॉर्ड तीन नोट्स को कॉम्बिनेशन करके बजाते हैं तो वो कॉर्ड बन जाता है। हवाई गिटार, ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये हॉलो गिटार है, इसे में हम हवाई गिटार भी बना सकते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती है। हवाई गिटार इस तरह से प्ले होता है, और हवाई गिटार एक स्टील की रॉड होती है, उसे हम बार कहते हैं, ये उस इस तरीके से प्ले करते हैं इसको। ओके, अच्छा, बेस गिटार, बेस गिटार में फोर स्ट्रिंग्स होती हैं, वो बेस गिटार बैकग्राउंड के लिए होता है, जब आप कोई गाना गा रहा है या हम लीड बजा रहे हैं तो वो बैकग्राउंड के लिए बैक देता है, वो बेस गिटार, उसमें फोर स्ट्रिंग्स होती हैं। स्पेनिश गिटार में आप कॉर्ड भी लगाते हैं और लीड भी प्ले करते हैं, तो वो स्पेनिश गिटार हो गया। और लीड गिटार में खाली आप नोट्स बजाते हैं, नोट्स बजाते हैं तो वो लीड गिटार हो गया। ओके, अच्छा, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये गिटार, इसे हम नेक कहते हैं, ये गिटार का नेक है। ये वाइट वाइट जो देख रहे हैं ये की सिग्नेचर्स हैं, जो हम कॉर्ड लगाते हैं या नोट्स प्ले करते हैं तो ये उसमें यूज होते हैं। नेक में ये हमारा जो है फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, सिक्स फ्रेट, ये सारे फ्रेट्स हैं ये। ओके, ये जो मेरे हाथ में रेड रेड दिख रहे हैं इसे हम पेक्ट्रम कहते हैं या फिर पिक कहते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस इसकी ये है कि 6 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 6, पिक को देख रहे हैं आप किस तरीके से यूज हो रही है, आप ये देखिए 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, ये प्रैक्टिस जो है आपको प्ले करना है और आपको देख के प्ले करना है और सुन के प्ले करना है कि ये 6 बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है, ये 4 की आवाज है, थर्ड की आवाज है। ओके, अच्छा, जब हम प्ले करते हैं तो ऊपर से जब हम प्ले कर रहे हैं, देखिए 6 5 4 3 2 1, इसी तरीके से हमें नीचे नीचे से जब हम ऊपर आते हैं तो इसे 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसके आपको ओपन स्ट्रिंग नोट्स बताता हूं। 6 को हम ई कहते हैं, ई, फिफ्थ को ए, डी, जी, बी, ई, रिवर्स में जाएंगे तो ई, बी, जी, डी, ए, ई। लेकिन ये प्रैक्टिस हमको तब करनी है जब हमको 6 5 4 3 2 1 बिना देखे वॉइस में हम पहचान लेते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस तब करनी है और बिना देखे प्ले करनी, पहले देख के प्ले करेंगे 6 5 4 3 2 1 और उसकी वॉइस को पकड़ेंगे, ये 6 5 4 3 2 1
ये यही बोल रहा है या और कोई नोट बोल रहा है, इसको कैच करेंगे आप, फिर दूसरी प्रैक्टिस करेंगे आप ई ए डी जी बी ई और ई बी जी डी ए ई। इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फर्स्ट फ्रेट जो गिटार आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नेक है। नेक का जो ये पहला वाला यहां से और यहां तक, इसे हम फर्स्ट फ्रेट कहते हैं, और यहां से और यहां तक ये सेकंड फ्रेट, ये यहां से और यहां तक थर्ड फ्रेट, ये फ्रेट्स हैं सारे। ओके, अच्छा, ये जो व्हाइट व्हाइट जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट साइन, इन्हें हम की सिग्नेचर्स कहते हैं। जब हम गिटार जो है कॉर्ड प्ले करते हैं या हम नोट्स प्ले करते हैं तो ये की सिग्नेचर्स हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है ई ए डी जी बी ई और ई बी जी डी ए ई, ये हमारी जब हम लीड प्ले करते हैं, नोट्स प्ले करते हैं खाली, तो यूज होती है। और हमारे गिटार प्ले करने के लिए हमारे हमारी दोनों फिंगर्स कॉम्बिनेशन से प्ले होती हैं, तो उसके लिए दूसरी प्रैक्टिस है वो। उसमें आप लो पिच प्ले करेंगे, फिर मीडियम पिच प्ले करेंगे, फिर हाई पिच प्ले करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फर्स्ट यही प्ले करना, यही देखना है, यही प्ले करना है। अच्छा, ठीक है, ये प्रैक्टिस जब आप प्ले करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ई बोल रहा है, ये डी ई ए डी जी बी ई, और ये प्रैक्टिस जो है पहले देख के प्ले करेंगे और सुन के प्ले करेंगे और सुन के प्ले करेंगे, फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस जो है हम बिना देखे प्ले करेंगे। अच्छा, पेक्ट्रम, पेक्ट्रम हम फर्स्ट फिंगर और थंब से प्ले करते हैं, खाली हम डोंट माइंड, खाली हम एक आध गाने के कॉर्ड सीख लिए या एक आध गाने का नोट सीख लिए, ये उससे बात बनती नहीं, समझ रहे हैं? आपको गिटार जो है मेथड से बजाएंगे, मेथड से आप गिटार बजाएंगे तो आप मेरी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आप गिटार अपने आप ही, आप अपने आप ही गिटार जो है बजाने लग जाएंगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको पेशेंस, आपका इंटरेस्ट मुझे चाहिए, बस आज के लिए यही प्रैक्टिस है। थैंक यू वेरी मच, नाइस।